वेरी हैप्पी लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान जितना था जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुझे बहुत नसीब वाला है। हमेशा कोई भी ऐसा मोमेंट होता है अच्छा होता है बुरा होता है मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते, और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। माँ की दुआएं मुझे हमेशा लगती है, माँ और बाप की दुआएं मेरे साथ है। तो अच्छा स्टेज पे कहना चाहता था बट कह नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए, तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, इतना मशहूर और कितना ही कमाया था, वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल लेकिन बेटा मुमताज का इनका ताज छीनने आया था। सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे दो दिन में और कम गया। बिग बॉस घर ही ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस रखते हो तो साइड की चीज़ें आपके लिए फेड अवे हो जाती हैं, और जब मैंने एंटर किया था तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती अगर दुनिया का दिल जीतना इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा हूँ ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे डिजर्विंग थे, तो सुन के भी बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अमेजिंग जर्नी होगी। हाँ मैंने देखा 5 लाख में छोड़ के गया था 3.5 मिलियन हो गए। थोड़ा राइट में शिफ्ट होइए ना, बस 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 अभिषेक भाई थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सेंटर में हो, थोड़ा सेंटर में, बस 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 सर कट रहे हैं पूरा फ्रेम सेट करो। हां तो एक साल से मैंने उसको टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं किया था और बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो उसको फेस कर रहा हूं, कभी बाहर वाली कोई डन एंड डस्ट है। ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा, नाउ इट्स डन एंड डस्टेड।